Hello kids, good morning everybody, how are you all? Hope you all are fine at your home. Let me introduce myself, I am your science teacher and this is your science book. Now open the book. Have you opened your book? Now come to the page number 53. Today we start unit number 8, which is minerals and ores. Minerals. The earth is made up of rocks and soil. ज़मीन किससे बनी है? सॉइल से और रॉक यानी मिट्टी, ज़रखेज़ मिट्टी और चट्टानों से. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. चट्टानों की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं. मिनरल्स मेक अप रॉक्स. मिनरल्स भी रॉक से बनते हैं. मिनरल्स आर सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय माइनिंग. मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस, ऐसे अज्जा होते हैं जो किससे बनते हैं, जो हमें कहाँ से हासिल होते हैं? कान से. ऑन द राइट आर पिक्चर्स ऑफ सम मिनरल्स. यहाँ दी गई पिक्चर्स में देखिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स दिखाए गए हैं. मोस्ट मिनरल्स डू नॉट कंटेन कार्बन. काफ़ी सारे मिनरल्स जो होते हैं वो कार्बन कंटेन नहीं होते. दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स. लुक अट्रैक्टिव एंड हैव अ डेफिनेट शेप. वो किसकी तरह होते हैं? क्रिस्टल्स की तरह होते हैं, चमकदार होते हैं और अपनी तरफ खिंचाव पैदा करने वाले डेफिनेट शेप के होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नंबर 2, ओर्स. एन ओर इज़ अ टाइप ऑफ रॉक दैट कंटेन मिनरल्स विद इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मेटल्स. द ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग. ये हमारे पास ओर भी एक किसकी किस्म होती है? चट्टान की, जो किससे बनती है? मिनरल्स से. और इसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसमें कौन मौजूद है? इंक्लूडिंग मेटल्स, मेटल्स के साथ. द ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग. ये ओर्स कहाँ से हासिल होते हैं? एक्सट्रैक्ट कहाँ से होते हैं? ये कान से. सम कॉमनली अकरिंग मिनरल्स आर एंड ओर्स आर. कुछ मिनरल्स और कुछ ओर्स हमें यहाँ दिखाए गए हैं. ए पार्ट है कोल. कोल क्या होता है? कोयला. वी यूज़ कोल एज फ्यूल. इट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड. इट इज़ नॉट अ प्योर मिनरल. थ्रू इट अकर एज अ रॉक. कोल हम कोयलों को कहते हैं जो हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, यानी आग लगाने के लिए. ये प्योर मिनरल नहीं होता और ज़मीन के अंदर से पाया जाता है, यानी अंडरग्राउंड फाउंड. और रॉक की एक इट इज़ नॉट प्योर मिनरल. ये प्योर मिनरल नहीं है. रॉक चट्टान से पाया जाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ये किस पे बना होता है? किसकी मदद से बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड वेजिटेशन लाइक ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स एंड द रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म. कोल किससे बनता है? किसकी मदद से रिमेन फॉर्म होता है? ये डेड वेजिटेशन, जो मरे हुए पौधे, पेड़, कुछ फर्न्स और प्लांट्स यानी पौधे, और डेड ऑर्गेनिज्म यानी मरे हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी मदद से क्या बनता है? कोल बनता है. इट इज़ यूजुअली फाउंड मोर इजीली देन अदर ओर सच एज आयरन और गोल्ड. ये बहुत ही आसानी से पा लिया जाता है. किसके मुकाबले में? लोहे के मुकाबले में और सोने के मुकाबले में. कोल बर्न्स वेल, इज़ यूज़ एज अ फ्यूल. ये जलने में बहुत आसानी से जल जाता है और हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. कोल बर्न्स वेल एंड इज़ यूज एज अ फ्यूल. इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेस यूज फॉर लाइटनिंग माइन. ये रोशनी करने के लिए काम आता है, टॉर्चेस बनाने के लिए काम आता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज पेज नंबर 55. पार्ट बी इज़ कॉपर. कॉपर. Copper is an essential nutrient. Lack of copper in the diet can cause many disease. Copper भी एक बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ज़रूरतमंद न्यूट्रिएंट्स होता है. कॉपर की अगर हमारे बॉडी में डिफिशेंसी हो जाए, यानी कमी हो जाए, तो हम काफ़ी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं. इट इज़ अ मेटल विच कैन बी ईजिली मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप. ये एक ऐसा मेटल है जिसे हम किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है. इतना सॉफ्ट नहीं, लेकिन सॉफ्ट होता है कि ये किसी भी तरह की शेप इख्तियार कर सकता है. इट इज़ फाउंड इन लार्ज डिपोजिट. कॉपर और इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ कॉपर. कॉपर और क्या होता है? कॉपर की रॉ फॉर्म होती है. इट इज़ प्रोसीड
एंड यूज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के लिए काम आता है. इट फॉर्म्स ब्रॉन्ज व्हेन कंबाइंड विद टिन, ये ब्रॉन्ज बन जाता है, ब्रॉन्ज यानी एक नया धातु बन जाता है, किसके साथ मिलाने पर, टिन के साथ मिलाने पर. इस इन दोनों पेजेस में हम होमवर्क देंगे एंड द होमवर्क इज पेज नंबर 54 एंड पेज नंबर 55. राइट 4 पॉइंट्स अबाउट कोल एंड 4 पॉइंट्स अबाउट कॉपर. राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई टूडेज लेसन. आई विल कम बैक विद अनदर लेसन टुमोरो. टिल देन, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर.